सो गाइज, आपको हिंट लगी क्या होगा कि आज हम कौन सी जगह पे हैं, और ये देखकर तो हर कोई समझ गया होगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा फेमस लोकेशन में हूँ, दार्जिलिंग के। तो गाइज, ग्लेनरी का दो हिस्सा है, इनफैक्ट तीन हिस्से हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो है रेस्टोरेंट, और दूसरा जो नीचे वाला है जो कि है फेमस ग्लेनरीज का बेकरी। जो नीचे है, ग्लेनरीज एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1885 में, तो आप समझ सकते हो कितने साल पुराना ये जगह है। ये दार्जिलिंग का हेरिटेज है, और अगर आप विंटर में प्लान कर रहे हो दार्जिलिंग, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीज़न। आपको बहुत खूबसूरती तो देखने को मिलेगी, ठंड में मिलेगी, और अगर आप एक गर्म वाले स्टेट से आ रहे हो जैसे हम आते हैं कोलकाता से, तो अगर कोलकाता से आते हो तो दार्जिलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन, और यहाँ आपको डेफिनेटली आना चाहिए विंटर्स में। और अब विंटर आ रहा है तो आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दार्जिलिंग के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ये सारी चीज़ें मॉल रोड से रिलेटेड है। मॉल रोड के आसपास आप क्या घूम सकते हो, साइट सीन्स तो देखो आपको मैं अलग वीडियो में बता दूंगी, बट इसमें हम बात करने वाले हैं पूरी तरीके से मॉल रोड के बारे में, यहाँ के शॉप्स के बारे में। दार्जिलिंग में लोग काफ़ी ज़्यादा फैशन कॉन्शियस है, चाहे लड़की हो, लड़कियाँ हो, बच्चे हो, कोई भी एज ग्रुप हो, तो आपको यहाँ के ड्रेसिंग सेंस में वो मॉडर्न टच मिलेगा। एंड अगर आप जैकेट, स्वेटर, ये सारी चीज़ें लेते हो, और ये देखो द फेमस केविंटर्स यहाँ पे अभी हम आएंगे, तो अगर आप जैकेट, स्वेटर, सारी चीज़ें शॉपिंग करना चाहते हो, विंटर गारमेंट्स लेना चाहते हो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शॉपिंग के लिए आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आप अच्छे से बार्गेन करना आपको आना चाहिए, और आप अपने मन मौजी जो आप लेना चाहते हो वो आप परचेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट। तो गाइज, इसके बाद हमने सोचा कि चलो अभी केविंटर्स चलते हैं। तो केविंटर्स में यहाँ पे हम लोग अंदर में बैठे, तो गाइज आप से व्यू देखिए, कंचनजंगा व्यू हमें केविंटर्स में बैठे बैठे दिख जा रहा है। और ये है इसका मेन्यू कार्ड, जहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी ऑफ फूड मिल जाते हैं, और काफ़ी बजट प्राइस, चाहे बेकन लो, सॉसेजेस लो, शेक्स लो, हॉट चॉकलेट लो, जो यहाँ का स्पेशलिटी है। तो गाइज़, मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए हॉट चॉकलेट, तो हॉट चॉकलेट यहाँ का बेस्ट है गाइज़। केविंटर्स में होगे तो हॉट चॉकलेट डेफिनेटली पियो, विंटर्स में आप समझ में जब भी आते हो। और शोमैन ने लिया अपने लिए बेकन, तो उसे बेकन खाने का बहुत मन था, क्योंकि केविंटर्स की बेकन बहुत अच्छी है। मैंने नहीं खाई बिकॉज मुझे लंच करना था, ऑलरेडी 2:30 बज चुके थे। तो गाइज, मैं गैलरीज में खड़ी हुई हूँ, और मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑसम है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस टाइम पे भी। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, और 2:30 बजे ये हालत है गाइज। तो जैसे जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि क्या खा रही हूँ मैं ग्लेनरीज में, आपके साथ पूरा शेयर करूंगी, एंड प्राइस डिटेल भी बताऊंगी कि बजट फ्रेंडली है, क्या है, कैसा है, और कौन सी डिश आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में, थैंक यू। सो गाइज, दार्जिलिंग मॉल रोड अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है, और विंटर्स में अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप व्यू देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है गाइज, और ये है मॉल रोड गाइज, बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप ये देखिए कबूतर, अभी क्या है ना कि काफ़ी क्रम आपको क्राउड मिलेगा। ये घोड़ा मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, घोड़ा नहीं, इनफैक्ट ये खच्चर है, बिकॉज इसका हेयर कट देखो ना, क्यूट इसलिए लग रहा है, इसका क्यूट सा हेयर कट मुझे देख के हंसी आता है। सामने में जो इसका रहता है, मैं हर बार जाके खच्चे को देख के मुझे बहुत हंसी छूटती है मेरी। तो गाइस, जब भी मैं दार्जिलिंग आती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरा दिमाग इतना खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है इनफैक्ट, और ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे लोकल हूँ, मुझे यही वाली वाइब आती है। अब मैं आपको लेके जाऊँगी, ये देखिए द फेमस स्टैचू के पास, और उसके बाद मैं आपको लेके जा रही हूँ ये महाकाल जो यहाँ पे मंदिर है, उसी तरफ ये मार्केट आपको मिल जाएगा। और अभी शोमिल कुछ ख़रीदारी कर रहा था, जो मैंने देखा साइड में कुछ ख़रीद रहा था, ये जैकेट वाले साइड पर अभी मैं आती हूँ। ये देखो यहाँ पे गाइस, कितनी कूल कूल जैकेट्स मिलते हैं, जो कि 1000 रुपये से शुरू होते हैं, और 3-4 हज़ार के अंदर में आपको मिल जाएंगे एक से एक बढ़िया जैकेट, और आपको अच्छे से बार्गेन करना है। कुछ जैकेट मुझे भी पसंद आए थे, मैंने एक जैकेट वहाँ से लिया। और यहाँ पे ये देखो गाइज, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ जैकेट्स, मैं दार्जिलिंग आती हूँ तो एटलीस्ट एक जैकेट ज़रूर लेती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्मार्ट जैकेट मिलते हैं, जो हमें कोलकाता में काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में आपको देना पड़ेगा, वही आपको काफ़ी कम में यहाँ पे मिलते हैं, और आपको अच्छे से बार्गेन करना आना चाहिए, जो कि यहाँ का मस्ट चीज़ है। दार्जिलिंग आ रहे हो, यू शुड नो हाउ टू बार्गेन, क्योंकि वरना आप कुछ भी उठपटंग दाम दे के लेके आ जाओगे अपनी सामान। तो गाइज़ ये देखो, बहुत खूबसूरत लग रहा था, चारों तरफ हरियाली। और जब हम लोग कलकत्ता से आते हैं ना, जहाँ पे इतना ज़्यादा हसल बसल होता है, और वहाँ पे आके जब ये शांति मिलती है, पहाड़ों के बीच आने का ये सुकून मिलता है, तो मैं आपको बता नहीं सकती मन में क्या खुशी होती है। और गाइज़, अगर आप फॉन्ड हो शॉल एंड स्कार्फ के, आपको बहुत अच्छे अच्छे शॉल यहाँ पे मिल जाएंगे, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कलर्स, अलग अलग कुर्ती के साथ भी आप टीम अप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे बजट पॉइंट में, मतलब 200 रुपये से शुरू होता है,
एंड 1000, 1200, 1500 में तो आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छे मिल जाएगा, पार्टी वेयर शॉल मिल जाएगा आपको। इनफैक्ट विंटर्स आ रहा है, यहाँ प्लान कर रहे हो तो ज़रूर आइए। और यहाँ पे आप देखो सामने ही एरो दिया हुआ था, ये है महाकाल मंदिर का सीढ़ी, यहाँ से आप जा सकते हो महाकाल टेम्पल के दर्शन करने के लिए। और थोड़ा चढ़ाई है, अगर आप ज़्यादा चढ़ाई नहीं कर सकते हो, थोड़ा सांस लेने की प्रॉब्लम होती है तो फिर आप नहीं भी जा सकते हो, नीचे से चेक कर लीजिए, बट अगर जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, ट्राई करो, अगर आप जा सकते हो तो डेफिनेटली जाइए। सो गाइस, दार्जिलिंग में जब भी आते हो तो देखो आपको पूरा हर जगह पे सीधा रास्ता नहीं मिलता, जैसे महाकाल टेंपल वाला जो साइड है यहाँ पे एकदम सीधे सीधे रास्ते हैं, कुछ कुछ साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ खड़े रास्ते होते हैं, तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आना ज़रूर। महाकाल टेम्पल के साइड वाले एरिया में आ गई हूँ गाइस, तो बहुत शांति है यहाँ पे, सीनिक व्यू भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ठंड तो है ही बट शांति बहुत है। अगर आप 2-3 दिन के लिए रिलैक्स करने के लिए आना चाहते हो, वेस्ट बंगाल के आसपास रहते हो, तो आपको ज़रूर दार्जिलिंग आना चाहिए और यहाँ का ब्यूटीफुल सीनिक लोकेशन को एंजॉय करना चाहिए। अभी काफ़ी ठंड है, जैसे जैसे मैं महाकाल टेम्पल के आगे जा रही हूँ ठंड और बढ़ती जा रही है, तो ऐसे ठंड में आपको काफ़ी सारे कपड़े लेके आने हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और अभी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी ना गाइस, आप बहुत खुश हो जाओगे, यहाँ से पूरा ब्यूटीफुल सा व्यू दिखता है माउंटेन, आपको अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। दार्जिलिंग आने का प्लान कर रहे हो गाइज़ और आपको इस तरह का सीनिक व्यू मिल जाए, और ये जगह अगर आप महाकाल रोड वाला जो रास्ता है, मार्केट वाला रास्ता जो है वो एकदम सीधा चले जाओगे ना, तो ये जगह पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ये जगह शायद नहीं देखे, और कुछ लोगों को जिनको पता है तो वो डेफिनेटली वॉक करके पीछे की तरफ आएंगे, तो बैक साइड ऑफ द मॉल रोड पर ये जगह पड़ता है। तो ये देखिए कितना क्यूट क्यूट डॉगी है, यहाँ का फरी डॉगीज़ को देख कर एकदम मन खुश हो जाता है। यहाँ के डॉग देखो कितने ज़्यादा, ऐसे तो आपको दूर से लगेगा कि लायन आपने देख लिया। और गाइज़ यहाँ पे खड़े रहकर अगर आपको कंचनजंगा पीक देखने को मिल जाए, वो भी स्नो कैप माउंटेन्स, तो और आपको क्या चाहिए गाइस, क्या चाहिए, आपको डेफिनेटली आना चाहिए यहाँ पे। और गाइस ऐसे ही इंजॉय करते करते अभी सनसेट हो गया, लंच जो हमने किया वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं फुल फोकस करना चाहती हूँ दार्जिलिंग मॉल रोड के ऊपर, और यहाँ आके आप क्या क्या कर सकते हो उसके ऊपर। ये देखिए शोमिल अभी आ रहा है मॉल रोड की तरफ से, ये रास्ता आता है, और कितना अच्छा लगता है गाइस जब आप आते हो ना दार्जिलिंग में, बस ऐसे वॉक पे निकल जाओ, इससे अच्छी फीलिंग नहीं होती, बिकॉज़ इतनी ठंड है, इतना अच्छा लगता है, एम्बियंस अच्छा है, लोग आपको अच्छे लगेंगे, सब कुछ अच्छा लगता है, पॉजिटिव हो जाता है आपका पूरा मन। तो गाइस विंटर में अगर प्लान कर रहे हो दार्जिलिंग तो ज़रूर आइए, ज़्यादा मत सोचिए, बस आ जाइए। बनाया तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।